सो हेलो व्यूअर्स, तो कैसे हो आप? लेकर आ चुके हैं हम आपके लिए एक वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं फ्री वेबसाइट क्रिएटिंग के बारे में, जिससे आप अच्छे से अच्छा अर्न कर सकते हैं मंथली पेमेंट 150 to $200 के समथिंग एक्स्ट्रा, मतलब इसमें जो है ना, जो स्टार्टअप में इतना अर्न कर सकते हैं, ये जेन्युइन है तरीका। और आपको जितनी भी मैं वेबसाइट के बारे में चीज़ें बताऊंगा सब कुछ फ्री होंगी, यहाँ तक कि डोमेन नेम, होस्टिंग और इसका सर्च बार जो कैसे कैसे किया जाता है वो सब कुछ मैं फ्री बताने वाला हूँ। सो गाइज, इस वीडियो के अंदर आपको सब चीज़ जेन्युइन और 100% यूजेज़ की होंगी। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, हमारी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो साइड में बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो जो हम वेबसाइट के ऊपर बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप अच्छे से उसको देख सकें। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है अपने मोबाइल के अंदर, अपने डेस्कटॉप के अंदर, जिस चीज़ के भी अंदर आप अपना ओपन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एनीवे मैं यहाँ पर अपना मेल आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ ब्लॉगर, ठीक है। अब यहाँ पर हमने सर्च कर दिया और सबसे ऊपर वाला जो लिंक है उसको ही आप ओपन करना। ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं फिर से सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले ऑलरेडी बना रखा है। तो पहले जो काम हमको आपको सिखाते हैं पहले उसको यूज़ करते हैं, उसको अच्छे से समझते हैं, तब जाके आपको बताते हैं। तो यहाँ पर आप डिस्प्ले नेम, जो आप अपना डिस्प्ले पर दिखाना चाहते हैं, मैंने ऑलरेडी एक बना रखा है टेक्निकल न्यूज 6515, जो कि आप सर्च करके देख सकते हैं, तो गूगल के सर्च बार में सबसे ऊपर आता है हमारा। तो यहाँ पर मैं डिस्प्ले नेम कोई भी आप अपनी तरफ से दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पर अपना ही दे देता हूँ। जैसे मैं अपने नाम ही लिख देता हूँ, कादिर टेक्निकल, कादिर न्यूज लिख देता हूँ, ठीक है, कादिर न्यूज। यहाँ पर मैं अपना, मतलब अपने पास से ही लिख रहा हूँ। आप जो अपने ब्लॉग का नाम दे देना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं इसके अंदर। तो क्रिएट ए न्यू ब्लॉग आप यहाँ पर क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर कादिर, मैं तो जो लिख रहा हूँ आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ, आप यहाँ पर अपना खुद का नाम लिखना या फिर अपने जो ब्लॉग का नाम रखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वही लिख रहा हूँ जो आपको समझाने के लिए, बस ओनली, ये नहीं कि आप वही लिखो जो मतलब मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर पहले क्या होता है, इसको देखना पड़ता है कि ये अवेलेबल है या नहीं है। तो मेरा पहले ही जो कादिर न्यूज़ के नाम से जो ये अवेलेबल है, अगर ये राइट क्लिक नहीं आता है तो यहाँ पर आप नेम चेंज कर लेना। तो क्रिएट ए ब्लॉग, क्रिएट ब्लॉग पर क्लिक करना, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ब्लॉग क्रिएट हो जाएगा। अब आपका ब्लॉग अगर हम देखेंगे इस टाइप में, तो यह पूछ रहा है कि डोमेन नेम आप देखना चाहते हैं इस ब्लॉग का या नहीं। तो मैं बोलूँगा नो थैंक्स, आप भी नो थैंक्स कर देना, क्योंकि मैं अभी जो बताने वाला हूँ वो सब कुछ फ्री और जेन्युइन होगा। एक रुपया भी आपको देने की किसी को ज़रूरत नहीं है और ना लेने की ज़रूरत है। बट अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं अगर ब्लॉग देखूँ तो अपना ये इस टाइप का गूगल पे दिखेगा। तो ये इसमें कोई ऐसा लग नहीं रहा है जैसे कि कुछ अलग हो, इसमें थीम वीम कुछ ऐड करना पड़ेगा, वो भी फ्री करना पड़ेगा, तो जेन्युइन थीम वगैरह लेनी पड़ेगी। तो यहाँ से क्या करना है, आपको सर्च बार में जाना है, और सर्च बार में जाने के बाद यहाँ पर जाना है ब्लॉगर थीम फ्री डाउनलोड, आप यही सर्च करना, ब्लॉगर थीम फ्री डाउनलोड, और जो सबसे पहली वेबसाइट आती है उस पर ही आप क्लिक कर देना। और क्लिक करने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन रिस्पॉन्सिव टाइमलाइंस पे क्लिक करना है, क्योंकि ये आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका पेज वेबसाइट जो है वेरीफाइड भी हो जाएगी और आपका एडसेंस भी वेरीफाई हो जाएगा। सभी के सभी जो वेबसाइट क्रिएट करते हैं वो इसी पर क्लिक करते हैं। एंड आप यहां से अपना जो थीम होता है उसको चूज कर लेना, जो भी आप रखना चाहते हैं थीम वो थीम यहां से चूज कर लेना। जैसे ये अच्छा लग रहा है तो इसको क्लिक कर लेना, ये अच्छा लग रहा है तो इसको क्लिक कर लेना, ये अच्छा लग रहा है तो ये क्लिक कर लेना। अदरवाइज़ मेरा एक थीम है जो कि मैं उसको यूज करता हूं, तो मैंने यहां पर डिज़ाइनिंग एन एक्स, तो मैं इसको ही सर्च कर लेता हूँ। जो आपकी थीम हो उसको सर्च कर लेना, ठीक है, मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। और सर्च करने के बाद हमारी जो थीम है वो यहाँ पर आ सकती है, और यहाँ पर हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इस पर क्लिक करके यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड का, इसको बाय नहीं करना है, रिव्यू नहीं करना है, बस ओनली डाउनलोड पर क्लिक करना है। और डाउनलोड पर क्लिक करने के जस्ट बाद ही आपका ये थीम डाउनलोड हो जाता है।
तो यहाँ पर क्या करना है, आपको फोल्डर में जाना है, और फोल्डर में जाने के बाद ये मैंने ऑलरेडी मैंने बताया था आपसे, जो काम मैं पहले आपको सिखाता हूँ तो उसको पहले कर लेता हूँ ताकि उसका पता चल जाए कि ये अच्छा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मैंने ये पहले ही किया हुआ है। अब उसको क्या करना है, आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक करके, और अपनी फाइल होने के बाद आप फिर से ब्लॉग में आना, ब्लॉग में आना, ठीक है, फिर से रिटर्न तो थीम में, ठीक है, थीम में आने के बाद बैकअप रीस्टोर पे जाना है, और बैकअप रीस्टोर पे क्लिक करने के जस्ट बाद ही यहाँ पर आता है आपको चूज फाइल, और चूज फाइल में आप अपना जहाँ पर भी आपने अपना जो थीम डाउनलोड किया है वही आपको इस टाइप का बना हुआ आ जाएगा, एक्सट्रैक्ट किया हुआ, एक्सट्रैक्ट किया हुआ जो है यहाँ पर इस टाइप का आ जाएगा, उस पर क्लिक करना और यहाँ से सेलेक्ट करके ओपन कर लेना और यहाँ पर अपलोड कर देना। अब ये हमारा जो थीम है ये अपलोड हो चुका है, अपलोडिंग सक्सेसफुली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर हम जाएंगे, सो हमारी जो वेबसाइट है वो अभी इस टाइप की व्यू ब्लॉग, यानी हमारा जो ब्लॉग अभी क्रिएट हुआ है, जो गूगल पे हमारा डिज़ाइनिंग आएगा इस वक्त, हमने जो अपनी थीम इसमें लोग मतलब ऐड करी है अपने साइड से, तो अभी हमारी जो है ना थीम इस टाइप की शो होगी गूगल पे। अगर हम बात करें इसके अंदर जो फीचर हैं, जैसे कि अभी यहाँ पर अबाउट का है, होम का है, और यहाँ पर कॉन्टैक्ट का है, ठीक है, ये तीनों के तीनों ऑप्शन है। और यहाँ पर एक और ऑप्शन मैं ऐड करके दिखाऊंगा, प्राइवेसी और पब्लिसी, जो कि बहुत अहम चीज़ है, ये ज़रूर होनी चाहिए हर एक वेबसाइट के अंदर, आपको मिलेगी प्राइवेसी और पब्लिसी, ये भी ऑप्शन मैं यहाँ पर जोड़ के दिखाऊंगा। एंड इनका जो फ्यूचर का काम होगा वो आपकी ही वेबसाइट से रिलेटेड होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि अगर मैं अबाउट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूं तो जिस भी व्यक्ति ने इसको क्रिएट की गई थी थीम को, तो उसी के रिलेटेड उसी की वेबसाइट ये ओपन हो रहा है, और जो उन्होंने लिखा है, जिन्होंने क्रिएट की थी, उन्होंने जितने भी जो भी लिखा है वो यहाँ पर शो हो रहा है। एनीवे मैं आपको जो समझाने वाला हूँ वो यहाँ पर अबाउट में जो आप अपने बारे में लिखेंगे वो शो होगा यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हमारा जो ऑप्शन है, पहले यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर हम एक और ऑप्शन जोड़ते हैं, प्राइवेसी और पब्लिसी। तो पहले नंबर पर हम प्राइवेसी और पब्लिसी जोड़ते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे लेआउट में, ठीक है। लेआउट में जाने के बाद यहाँ पर स्क्रॉल डाउन का ऑप्शन आता है, उसको क्लिक करेंगे और टॉप नेविगेशन पर क्लिक करना है, टॉप नेविगेशन। तो यहाँ पर साइड में जो आइकन आता है पेन का, उस पर क्लिक करेंगे हम, और यहाँ पर आप प्राइवेसी और पब्लिसी लिख देंगे, और यहाँ पर हमने जो है ये लिंक हम इसको माइनस कर देते हैं, यानी हटा देते हैं, और यहाँ पर कुछ भी टाइप लिख देते हैं और ऐड कर देते हैं इसको। जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको होम, अब यहाँ पर हमारे क्या ऑप्शन आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं, तो हम प्राइवेसी और पब्लिश को पहुँचा देते हैं नीचे, स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे पहुँचा देते हैं, ठीक है। और अबाउट के नीचे पहले ऊपर, अब पहले होम आएगा, फिर अबाउट आएगा, फिर उसके बाद ये आएगा प्राइवेसी और पब्लिसी, ठीक है। अब इसका काम ये तो हो गया फाइनल, हम कर देते हैं ऐसे सेव, ठीक है। सेव होने के बाद अब हम जाते हैं फिर से वेबसाइट पे, तो अभी हमारे ये तीन ऑप्शन आ रहे हैं, और हम अगर इसको अब रिफ्रेश करते हैं तो हमारे ये चार ऑप्शन शो होते हैं, यानी कि होम और कॉन्टैक्ट, अबाउट, प्राइवेसी, ठीक है। अब इनका काम, इनके अंदर जो हमें ऐड करना है वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को ज़रूर देखते रहना पूरी की पूरी, अच्छे से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जाना है पोस्ट पे, पोस्ट पे जाने के बाद न्यू पोस्ट पे क्लिक करना है, और न्यू पोस्ट पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर लिखना है आपको, पहले अबाउट अस लिख देते हैं, पहले हम क्या करेंगे पब्लिश कर देंगे, ठीक है, पब्लिश हो गया। अब हमें एक और चीज़ बनानी है, अब एक और क्या बनाना है, यहाँ पर बनाना है प्राइवेसी और पब्लिसी, पहले मैं आपको बता रहा हूँ, फिर उसके बाद उसका क्या काम होगा मैं ये भी बताऊँगा, ठीक है। प्राइवेसी और पब्लिसी और बना लेना है, अब उसके बाद इसे भी पब्लिश कर देना है, प्राइवेसी और पॉलिसी, ये हो गए हमारे दो। अब उसके बाद एक और करना है आपको, एक और क्या करना है वो और देख लो, यहाँ पर करना है कॉन्टैक्ट अस, इसे भी पब्लिश कर देना है, ठीक है। अब ये हमारे जो तीन हमने पब्लिश करे हैं अपने पेज पर, अब इनका क्या करना है, व्यू, ठीक है, अब इसे व्यू करना है, यानी देखना है। अब हमने व्यू करने के बाद यहाँ पर हमने क्या करा है, इसको जो ऊपर लिंक आ रहा है उसको कॉपी कर लेना है,
कॉपी करने के बाद हमें जाना है फिर से वहीं पर लेआउट में, ठीक है। लेआउट में जाने के बाद हमें जाना है फिर से वही ऑप्शन जो टॉप है, वो टॉप नेविगेशन आ रहा है लिखा हुआ, टॉप नेविगेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो हमारा कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है एडिट के बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो ये कॉन्टैक्ट के नीचे जो लिंक दे रखा है उसको रिमूव करना है यहाँ से, और रिमूव करने के बाद यहाँ से अपना पेस्ट कर देना है जो आपने वहाँ से कॉपी किया था वो यहाँ पर पेस्ट कर देना है एंड देन उसके बाद यहाँ पर सेव कर देना, ठीक है। अब ये हमारा सेव हो चुका, अब हमारा काम दूसरा रह गया। दूसरा क्या रह गया, अब हम फिर से आते हैं बैक, रिवर्स आते हैं, यानी हमारी जो पोस्ट की गई थी अब उस पोस्ट पे फिर से जाते हैं, रिटर्न पर जाना और व्यू बटन पे क्लिक करना। व्यू बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाना और ये कॉपी कर लेना, ठीक है। कॉपी करने के बाद फिर से वहीं पे जाना रिटर्न, और लेआउट में जाना। लेआउट में जाने के बाद टॉप नेविगेशन में जाना, ठीक है। फिर से जाना हमें प्राइवेसी और पब्लिसी एडिट के क्लिक बटन पे क्लिक करके, और यहाँ पर हमने प्राइवेसी और पब्लिसी का लिंक पेस्ट कर देना है और सेव कर देना है। अब हमें जाना है अबाउट अस, ठीक है। अब अबाउट अस का काम रह गया, अब हमें अबाउट अस का काम करना है तो फिर से हमें क्या करना होगा, अबाउट अस में जाना पड़ेगा। अबाउट अस की हम पोस्ट को देखेंगे और उसके बाद यहाँ पर इसको कॉपी करके फिर से लेआउट में जाएंगे और टॉप नेविगेशन में जाना है और अबाउट अस का जो ये है एडिट करना है और यहाँ पर ये लिंक जो है इसको हटाना है और हटाने के बाद अपना लिंक पेस्ट कर देना है। ये हमारा काम फाइनल हो चुका, अब हमें सेव कर देना है इसको, ठीक है। अब हमने सेव कर दिया, अब हमें क्या करना है, जो हमने मैंने सिंपली ही ये अकाउंट बना के दिए हैं आपको, बना दिए हैं कि इस टाइप से करना है, बनाना है। आपको इसके अंदर और चीज़ें भी ऐड करनी है, जैसे कि मैं यहाँ पर पोस्ट देखता हूँ, तो पोस्ट देखने के बाद यहाँ पर जो इसके अंदर एडिट के बटन जो आ रहा है यहाँ पर एडिट का बटन, यहाँ पर आप इस अबाउट कॉन्टैक्ट अस है, जैसे कॉन्टैक्ट के लिए यहाँ पर अपना मेल आईडी दे सकते हैं, अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं, लोकेशन दे सकते हैं, इस टाइप की सारी चीज़ें दे सकते हैं, जो जो चीज़ आपको देनी है वो दे सकते हैं, ठीक है। एनीवे अब उसके बाद दूसरी चीज़ जो है यहाँ पर प्राइवेसी और पब्लिसी, प्राइवेसी और पब्लिसी भी आपको क्रिएट करनी है एडिट के बटन पर क्लिक करके, यहाँ पर आप अपनी प्राइवेसी और पब्लिसी दे देना, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे जो है ना, अभी फ़िलहाल में जो है ना, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कुछ लिख देता हूँ ऐसी, ठीक है। आप जो चीज़ आपको देनी चाहती है, देना चाहते हो वो दे लेना, ठीक है। जैसे कि मैं अभी एग्जाम्पल के तौर पे दिखाऊंगा, अभी अपनी वेबसाइट के अंदर जो मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर क्रिएट की गई है वो भी दिखाऊंगा। यहाँ पर अपडेट करना है आपको, अपडेट हो चुका। एंड देन उसके बाद अबाउट अस, अबाउट अस ये अपने बारे में भी बता देना है, अबाउट अस के अंदर अपने अपने पेज के बारे में और अपने बारे में बता देना, कुछ अच्छे से अच्छा करके बताना, ताकि दूसरा पर्सन जो आपके वेबसाइट पे ब्लॉग पे आए तो वो आपके आपके बारे में पढ़ के वो आपकी तरफ को अट्रैक्ट हो और आपको फॉलो भी करे, आपकी न्यूज़ भी पढ़े। तो इसीलिए आपकी जो एजुकेशन वगैरह है वो भी आप अपनी डाल देना इसमें, नो प्रॉब्लम, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंड देन उसकी जो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं पेज के बारे में, उसमें वेबसाइट के बारे में, तो यहाँ पर टाइप कर देना। जैसे कि मैं फिर से यहाँ पर कुछ भी मैं वैसे ही कर देता हूँ, ठीक है। मैं नॉर्मली लिख कर देगा, ऐसे ही लिख कर दिखा रहा हूँ, एंड देन उसको भी अपडेट कर देते हैं, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट अस में वो रह गया मेरा, एडिट के बटन पे क्लिक करके कॉन्टैक्ट अस में भी हम यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको भी सेव कर देते हैं, इसको भी सेव कर देते हैं। अब हमारा तीनों का काम हो गया। आपको पेज के बारे में ही लिखना है, ऐसा नहीं कि मतलब अपने पास से लिख दिया, अपनी जो वेबसाइट है उसके बारे में ही। कॉन्टैक्ट अस में अपनी मेल आईडी वगैरह दे सकते हैं, इसमें आप प्राइवेसी पब्लिसी के अंदर आप अपनी प्राइवेसी पब्लिसी इस वेबसाइट की जो भी चीज़, जो प्राइवेसी पब्लिसी जो है ना वेबसाइट होती है बहुत सारी, उनसे बनवा सकते हैं। अब क्या करना है, ये चीज़ें हो गई फॉलो आपकी, अब हम अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं, और रिफ्रेश करने के बाद अब अगर हम होम बटन पे जाएंगे, सॉरी होम बटन का ऑप्शन अभी अवेलेबल है, यानी हमने जो है होम बटन को अभी देखा नहीं है, तो होम बटन का जो है आप यहाँ पर इस पर क्लिक करना और ये जो लिंक आपका ऊपर ही शो हो रहा है
उसको कॉपी कर लेना, और कॉपी करने के बाद फिर से लेआउट में जाना और यहाँ पर जो होम होम का ऑप्शन उसमें टॉप नेविगेशन के अंदर जाके होम के होम को ओपन करना है, यानी कि एडिट बटन पे क्लिक करना है होम को, और एडिट बटन के पर क्लिक करने के बाद यहाँ से जो लिंक है उसको कॉपी करके उसको पेस्ट कर देना हटा के, और यहाँ पर सेव कर देना, और यहाँ पर सेव कर देना। अब हमारा फाइनल हो गया काम। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे वन टाइम। रिफ़्रेश करने के बाद अब क्या काम है, अगर हम अपने होम बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट ओपन होगी, कॉन्टैक्ट में जो हमने लिखा था वही चीज़ हमारी शो हो जाएगी, जैसे कि हमारा ये यहाँ पर देख सकते हो ये लिखा हुआ आ रहा है कॉन्टैक्ट अस में, देखो ये वाला जो मैंने लिखा था वही आ रहा है। एंड देन अगर हम प्राइवेसी और पब्लिश अबाउट अस की बात करें तो अबाउट अस में भी जो चीज़ मैंने शो मतलब लिखी थी वो सारी चीज़ें शो हो रही हैं यहाँ पर अबाउट अस में, देख सकते हो यहाँ पर नीचे, ठीक है। एंड देन अगर हम प्राइवेसी और पब्लिशी की बात करें तो प्राइवेसी और पब्लिशी में भी जो चीज़ मैंने वहाँ पर टाइप की गई थी तो वहाँ पर ये शो हो रही है। ये चीज़ समझ चुके होंगे आप। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना, और जो साइड में बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो को जो आएगी हमारी वेबसाइट के ऊपर तो उसका अपडेट आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा, तो उस वीडियो को आप आसानी से देख सकेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, और दिल से हैप्पी न्यू ईयर। जितनी भी अभी तक आपके सामने घटनाएं हुई हैं या आपके साथ घटनाएं हुई हैं उन सबको भुला करके नेक्स्ट ईयर में कुछ अच्छा करने की सोचो, ठीक है। तो मेरा भी यही कहना है, मैं खुद ये चाहता हूँ कि जो मेरे अब तक हुआ है मेरे साथ या फिर अच्छा या बुरा जो भी हुआ है, मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट ईयर वो ना हो, और जो अच्छा हुआ है तो उससे भी अच्छा करके दिखाएं, और जो बुरा हुआ है तो वो ना हो, इसीलिए कुछ अच्छा करने की सोच रहा हूँ, इसीलिए आपको अच्छे समझा रहा हूँ।